आज के वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो लिया गया है TIFR के एग्जाम से, जो एग्जाम हमें MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के लिए देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड। Which of the following was not a part of Darwin's theory of natural selection? चार options हैं जो जिसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा डार्विन की theory को support नहीं कर रहा है, कौन सा डार्विन की theory से नहीं है। तो पहला option है, देखो, evolution is the gradual process and occurs over many generations. हाँ, तो This is from the Darwin's theory of natural selection. हम जब जिराफ का example देखते हैं, तब जिराफ की जो neck थी, वो gradually increase हुई दिखाई देती है, और natural selection उसपे act हुआ, और जिराफ की जो neck है, वो आज जितनी है, उतनी हमें दिखाई देती है। शुरू में जिराफ की neck छोटी थी, जैसे-जैसे उसे food मिलना कम हो गया उसने उसकी नेक ऊपर करना शुरू किया इन द सर्च ऑफ फूड एंड इट्स नेक लेंथ गेट इंक्रीज्ड। तो ये कैसे हुआ? ये ग्रेजुअली हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। सो दिस स्टेटमेंट सपोर्ट्स द डार्विन थ्योरी। दूसरा देखो, मोर इंडिविजुअल्स आर बॉर्न देन विल सर्वाइव। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये स्टेटमेंट हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अंडर पढ़ते हैं, देखो कि मोर नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर देयर व्हिच सम ऑफ व्हिच आर गेट सर्वाइव्ड मेनी ऑफ व्हिच गेट डाइड। तो रिसोर्सेज जितने अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से सर्वाइवल चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ऑर्गेनिज्म ज्यादा इट गिव्स बर्थ टू मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, है ना। So this is struggle for existence. More individuals are born than will survive. Tisra statement कहता है, देखो, variation occurs between individuals in a population. हाँ, तो ये भी सही है कि डार्विन ने देखा है कि जो species में variation ज्यादा से ज्यादा रहेगा वो species के survival के chances बढ़ जाते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया था नेचुरल सिलेक्शन में, वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, स्पीशीज गेट डाइवर्टेड एंड द सर्वाइवल चांसेस गेट इंक्रीज्ड। तो ये स्टेटमेंट भी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में से ही है। फिर बचा चौथा स्टेटमेंट, वो कहता है म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। डार्विन ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, रादर उसने एक्सपेरिमेंट्स नहीं, उसने ऑब्जर्वेशंस किए थे गैलापागोस आइलैंड पर, वहाँ पर जो छोटे छोटे बर्ड्स थे उनके ऑब्जर्वेशंस किए गए थे। तो ये सब फील्ड वर्क था। एकदम ठंडे दिमाग से सोचो आप, तो आपको समझ में आता है कि डार्विन या मेंडल, इनका फील्ड वर्क था, इन्होंने कभी लैब वर्क नहीं किया हुआ है। दे हैव ऑब्जर्व द नेचर, इजंट इट। तो यहाँ जब म्यूटेशन की बात कर रहे हो तब जीन लेवल पर आना पड़ेगा, जीन लेवल पर कुछ करना है तो लैब में आना पड़ेगा। तो इनका वर्क लैब में था ही नहीं, लैब में था नहीं, और उस समय उन्हें डीएनए, म्यूटेशन, जीन इनके बारे में भी कुछ पता नहीं था। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट फ्रॉम द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी, म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर आई हैव कंक्लूडेड विद टुडेज वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड आल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।